ये फिल्में भी ना कितनी अजीब होती हैं। ये फिक्शन को इतनी रियलिटी से दिखाती हैं कि हम स्क्रीन के इस पार और उस पार वाली दुनिया में फ़र्क करना ही भूल जाते हैं। पर हम बात माने तो माने कैसे ना, इन फिल्मों के किरदारों की इनर कॉन्फ्लिक्ट आखिर हमारी तो ज़िंदगी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन कहानियों में इतना खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि एक सी होकर भी हर किरदार की कहानी अलग होती है। 2018 में जब मैं आयशा बन अपने सपनों की नगरी बॉम्बे में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस ढूंढने गई ना, तो मुझे पता था कि उसी कहानी की तरह मेरा भी ये धुंधला सा दिखने वाला सफ़र आगे चल के खूबसूरत हो जाएगा। और तभी से शुरू हुआ मेरा ड्रीमी टू बी मुंबई का आयशा से मेसी होमसिक बनने का वाला सफ़र। सच बताऊँ तो जितना सुकून भरा मरीन ड्राइव पर अकेला बैठना था ना, उतना ही डिप्रेसिंग इस शहर की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करना था। जितनी खूबसूरत आने वाले दिनों में अपने सपनों की रियलिटी लग रही थी ना, उतनी खाली मुझे मेरी आज वाली मुस्कान लगने लगी थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आयशा की उस कहानी ने ना मुझे धोखा सा दिया हो, और दुख सिर्फ इस बात का था कि मैंने भी पागलों की तरह उसकी कहानी को मान लिया था। हार मानने का मन कर रहा था, पर पापा ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, जयपुर से लड़कर आई थी तो मेहनत करनी थी, तो अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए मैंने भी हाथ पैर मारना शुरू किया और एक एनजीओ ज्वाइन किया। वहाँ ऐसे लगा कि बच्चों के साथ मुस्कानों के बीच हो सकता है वो पुरानी वाली वनिका ना वापस आ जाए। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड होकर लोकल ट्रेन में बैठ कर बांद्रा ट्रैवल कर एनजीओ में गई, जहाँ पर मैंने एक बच्चे के साथ ड्रॉइंग की। उसका नाम था राहुल, पर उसको मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक्साइटमेंट के साथ बोलती, राहुल विच इज़ दिस कलर, एंड ही वुड बी लाइक दीदी ऑरेंज। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो मुस्कुराता क्यों नहीं है, उसकी लाइफ में एनर्जी क्यों नहीं है। पर धीरे धीरे पता चला कि 6-7 साल का ये राहुल कोलकाता के एक गाँव से कैंसर से लड़ने के लिए बॉम्बे आया है। जितना मैं उसके दर्द को समझती जा रही थी ना, उतना ही ज़रूरी होता जा रहा था मेरे लिए उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाना। मानो कि उसकी मुस्कान ना मेरे जीवन का मकसद बन गई हो। पर फिर भी ना पता नहीं, बहुत ऐसा लगता था कि जैसे आई हैव समथिंग टू डू विद हिम। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ ना कुछ करके ही रहूँगी, और हर बार जब भी जाती तो मैं उसे अलग अलग चीज़ों से मनाने की कोशिश करती। उसे प्रीतमपुर के चिंकू और मिंकू की कहानी सुनाती, दो खरगोश जो पता नहीं रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और मैं उसे बात करने की कोशिश करती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम दोनों की बॉन्डिंग होने लगी, और ऐसा लगा कि वो मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर फिर भी उसकी आंखों में मुस्कुराने की चाह थी, और वो किसी सक्सेस से कम नहीं था। दिवाली से 2 हफ्ते पहले हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी मिली। हमें कार्ड बनाना था और उस पर ड्रॉ करना था साथ में, और किसी एक ऐसे इंसान को थैंक यू कहना था जिसने हमारी लाइफ में कुछ ऐड किया था। सब बच्चे ड्रॉ कर रहे थे, मैं भी ड्रॉ कर रही थी, और काफ़ी अच्छा दिन था वो। उसके बाद मैं जयपुर आ गई, और जयपुर में मैं बड़ी खुश थी। मम्मी बहुत सारा प्यार दे रही थी, और 2 महीने बाद घर वापस आने का एक अलग सा फीलिंग था। पर फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा था मुझे वापस बॉम्बे जाना है, क्योंकि वहाँ पे राहुल था और मुझे राहुल से मिलना था। बॉम्बे आकर सैटरडे को जब मैं एनजीओ गई तो मैं बहुत खुश थी। मैं जयपुर से मिठाई लेकर गई थी और मैं राहुल के मम्मी पापा सबको खिलाना चाहती थी, पर वहाँ पे राहुल नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम दोनों का कोई रिश्ता था, ऐसा नहीं था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी, ऐसा नहीं था कि वो मेरा दोस्त बन गया था, वो तो मुझसे बात भी नहीं करता था, पर वो वहाँ पर नहीं था। उस दिन मैं टूट गई। ऐसा लगा कि चाहे इन बच्चों की जिंदगी में मैं कितने भी रंग भर दूं इन क्रियॉन से, असल में मैं उनकी जिंदगी में कभी भी उजाला नहीं ला पाऊंगी, कभी भी इनकी रियलिटी को बदल नहीं पाऊंगी। एक ना एक दिन इन बच्चों को जाना तो है, जैसे राहुल गया था। मैं अकेली काफी थी, अधूरी नहीं होना चाहती थी, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे जाकर सर को मना कर दूंगी कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, आई कैन नॉट वॉलंटियर हियर।
मैं नीचे गई, सर को बताया, उन्होंने मेरे को बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं वनिका ये होता है, तो मैं अपने आप को स्ट्रांग करना है, पर मुझे पता था मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो उन्होंने भी मनाना छोड़ दिया। वनिका एक काम करो, आज के लिए वॉलंटियर कर लो, मैं तब तक तुम्हारा सर्टिफिकेट रेडी कर देता हूँ। ऊपर गई और उस दिन मैंने समीक्षा के साथ ड्राइंग की, वो 4-5 साल की थी और आयरॉनिकली वो हंस रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, शी वॉज ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। पर पता है उसकी मुस्कान के पीछे वाला दर्द मुझे फिर भी दिख रहा था, क्योंकि मैंने वो राहुल के थ्रू महसूस किया था। ख़त्म होते ही मैं नीचे गई और मैंने सर को बोला कि मेरा सर्टिफिकेट, और सर ने मुझे राहुल की बनाई हुई ड्राइंग्स दी। तुम्हें याद है वो दिवाली वाला कार्ड? जैसे ही मैंने उसे खोला ना हिंदी में नहीं पढ़ूंगी, ज्यादा रो दूंगी, दीदी जस्ट लाइक चिंकू एंड मिंकू आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग फॉर माई पेरेंट्स, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू क्राई एंड आई डोंट वॉन्ट टू ट्रबल माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू बी लाइक चिंकू एंड मिंकू ऑल ब्रेव। पर चिंकू और मिंकू तो रियल थे भी नहीं, प्रीतमपुर तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था, मतलब ये सीन क्या था? चिंकू और मिंकी की कॉन्फ्लिक्ट राहुल की कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, पर फिर भी उन फिक्शनल कैरेक्टर्स ने उस छोटे से बच्चे को हिम्मत दी थी। और उस दिन उस बच्चे ने उसके इस कार्ड के थ्रू मुझे हिम्मत दी। दोस्तों रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग्स कितनी कम पॉसिबल क्यों ना हो, सच तो ये है कि जिंदगी के झगड़ों से, जिंदगी की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ये फिक्शनल हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरीज ही हमें हिम्मत देती हैं। अगर आयशा की उस कहानी को मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया होता तो आज मैं बॉम्बे में अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही होती। अगर वो फैंटेसी वाले सिट को मैंने विश्वास नहीं कर लिया होता तो आज मैं प्यार में विश्वास नहीं कर रही होती। लाइफ बहुत अलग है, इट्स नॉट लाइक मूवीज, पर फिर भी ना ये फिल्में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये फिल्मों की फिक्शन वाली रियलिटी हमें ज़िंदगी को ड्रीमी बनाने में हेल्प करती है। राहुल को चिंकू और मिंकू ने हेल्प की थी, मेरी ज़िंदगी में कोई सिड नहीं आया, पर मुझे मेरा राहुल वो ज़रूर मिला। थैंक यू।